हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड बेला विद अर्पिता। मैं हूँ अर्पिता। तो आज आप देख सकते हो मेरा फेस थोड़ा ब्राइटन और ग्लोइंग दिख रहा है। मैंने पोमोग्रेनेट से एक फेस पैक बनाया था और एक फेस स्क्रब जो मैंने यूज़ ऑलरेडी कर लिया है और जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। पैक का और स्क्रब का जो चीज़ें मैंने यूज़ किया है इसमें, उन सारे चीज़ों का क्या बेनिफिट्स है, मैं वो आगे जाके आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग और स्टार्टेड। तो स्क्रब को बनाने के लिए मैंने पोमोग्रेनेट को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। पोमोग्रेनेट यानी अनारदाना, उसको मैंने ग्राइंड किया है और उसका जो जूस है उसको मैंने साइड कर लिया है। और जो दाने हैं उसको मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैंने ओट्स लिया है और हनी भी लिया है। तो स्क्रब को लगाने से पहले मैंने मेरा फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और अपने ड्रेस को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। पोमोग्रेनेट यानी अनारदाना हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी ए एंड ई होता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जो आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे हम अनारदाने के जो दाने होते हैं वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट भी करता है। और हमने ऐड किया है ओट्स। ओट्स रिमूव करता है एक्सेस ऑयल को, रिमूव करता है डर्ट को, और जो पोर्स हमारे क्लॉग हो जाता है उसको भी ये क्लीन करता है और स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है। हनी एक एंटीबैक्टीरियल है जो स्किन को अच्छे से क्लीन करता है एंड इट्स गुड फॉर एक्ने आल्सो। तो फेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है स्क्रब को 2 मिनट अपने फेस पे रखने के बाद। अभी मैं अप्लाई करूंगी पैक। तो चलिए दिखाते हैं ये पैक बना किससे है। तो पैक को बनाने के लिए मैंने जो पोमोग्रेनेट ग्राइंड करने के बाद उसका जूस साइड करके रखी थी, उसी जूस में थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ बेसन और थोड़ा सा ऐड करूँगी हनी। आप इस पैक में और भी चीज़ों का ऐड कर सकते हो, जैसे कि लेमन या तो बनाना, ताकि ये पैक और अच्छा हो जाए। तो इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे और देखिए हमारा पैक तैयार है। ये फेस पैक ऑल स्किन टाइप के लिए है और एनी एज ग्रुप के लिए है। पोमोग्रेनेट इज बेस्ट फॉर एंटी एजिंग बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन एंड एलास्टिन। स्किन को ये रिजुविनेट करता है। इसमें विटामिन सी ए एंड ई होता है। स्किन को ब्राइट बनाता है, ग्लोइंग भी बनाता है। बेसन में जिंक होता है जो फाइट करता है एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया से। और हनी तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 25 मिनट्स के बाद मेरा पैक पूरी तरह से सूख गया है। तो फेस वॉश के बाद आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ब्राइट और ग्लोइंग दिख रहा है। अभी बस यूज़ करना है एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय।